वीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पीजी की लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग एक परचेज इनवाइस की एंट्री कर लें। ठीक है, कल एक परचेज इनवाइस हमने आपको बताया था कि परचेज इनवाइस की एंट्री आपको किस तरीके से करना है। चलिए आज इसी प्रैक्टिस सेट का दूसरा इनवाइस हम लोग देखते हैं कि दूसरे इनवाइस में हमको एंट्री किस तरीके से करना है। तो देखिए, दूसरे इनवाइस में हमारा सप्लायर है ये कंप्यूटर एम्पायर, और यहाँ पे हम कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट है जो हम खरीद रहे हैं, एक है एप्सन का ब्लैक इंक है और दूसरा एलो इंक, और ये दोनों प्रिंटर के इंक हैं, इसलिए हम प्रिंटर इंक के नाम से कोई ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप पर ये कोड लगा देंगे, और उसी के साथ इस पर टैक्स आप देखेंगे तो 6+6 यानी 12%। तो परचेज हमें परचेज टाइप जब हमसे पूछा जाएगा तो वहां पे हम जो है सेलेक्ट करेंगे लोकल 12%। क्यों लोकल इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सप्लायर का स्टेट और हमारा स्टेट सेम, हमारा सप्लायर भी यूपी का है और हमारा बिजनेस भी यूपी में स्टेब्लिश है, इसलिए यह परचेज हमारे लिए कैसा परचेज है, लोकल परचेज। और लोकल परचेज होने के साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि आइटम पर जीएसटी कितना है। तो यहाँ पर आइटम पर जीएसटी 6% CGST और 6% SGST, इन टोटल 12% दिया गया है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे लोकल 12%। तो हमें ट्रांजेक्शन में आना है, परचेज पर आना है और ऐड के बटन पे करना है क्लिक। चूंकि ये दूसरा इनवाइस है इसलिए हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे टू, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर टू। अब यहाँ पर ये दिक्कत ये आएगी कि बार बार हमको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा कि कल हमने एक इनवाइस की एंट्री किया था तो कल था फर्स्ट, आज हम सेकंड करने जा रहे हैं तो टू होगा। बस में आया दिन भर में, आज हमने चार इनवाइस एंट्री किया तो 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा हमको याद रखना पड़ेगा कि वाउचर नंबर हमें क्या भरना है, क्योंकि वही सेम वाउचर नंबर हम दोबारा नहीं भर सकते, वाउचर नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कल 1 नंबर से आ रहा एंट्री हुआ था, आज अगर हम 1 भर के एंटर करेंगे तुरंत ये वार्निंग हमको देगा, एरर बता देगा, ये बता रहा है कि 1 नंबर का ऑलरेडी एग्जिस्ट है, पहले से बना हुआ है। तो हमें डेली क्या करना है, एक एक इंक्रीज करते हुए जाना है। तो ये चीज हमको याद ना रखना पड़े इसके लिए हम ऑटो वाउचर नंबरिंग के फीचर्स इनेबल कर देंगे, तो बीजी ऑटोमेटिक एक एक नंबर ऑटोमेटिक बढ़ाता चला जाएगा। बस समझ में आ रहा ना, ये चीज हमको डेली याद ना रखना पड़े इसके लिए हम वाउचर नंबर को क्या सेट कर देंगे, ऑटोमेटिक। तो जब वाउचर नंबर हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा तो हमें ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है और ये हमारा ऑटोमेटिक जो है चलने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को नोट करना है कि हम वाउचर नंबर को ऑटोमेटिक कैसे सेट करेंगे, बस ये 2 लाइन लिखना आप। हमें यहाँ पे वाउचर नंबर बार बार भरना पड़ेगा, कल हमने 1 भरा था, फिर हमको 2 भरना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट डे 3 भरना पड़ेगा। ऐसे में हमेशा याद रखना पड़ेगा कि लास्ट वाउचर की एंट्री कहाँ तक हुई थी, ये हमें याद ना रखना पड़े और ये जिम्मेदारी अपने सॉफ्टवेयर को हम दे दें, इसके लिए वाउचर नंबर को ऑटोमेटिक सेट कर दें। कैसे करना है, आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद एक ऑप्शन आता है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, आप यहाँ पे आ जाएंगे। सेल्स के बगल में छोटा सा, सॉरी परचेज के बगल में छोटा सा प्लस है, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे इससे परचेज के नीचे मेन आ जाएगा, मेन पर क्लिक करके और यहाँ पे आएंगे वाउचर नंबरिंग। ये फिलहाल इस समय मैनुअल है, इसको हम कर देंगे ऑटोमेटिक और यहाँ पे इसको हम कर देंगे ओके, फिर यहाँ पे कर देंगे यस। बस इतना ही है, हमें आना है कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन पे आने के बाद वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ आने के बाद परचेज के बगल में एक छोटा सा प्लस है, यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सपेंड हो जाएगा ये, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे मेन को, और मेन को सेलेक्ट करने के बाद फिर हम आ जाएंगे वाउचर नंबरिंग में, और वाउचर नंबरिंग में आने के बाद यहाँ पे कर लेंगे ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक आने के बाद फिर हम इसको कर देंगे ओके, और ओके करने के बाद फिर हम यहाँ पे कर देंगे यस। ठीक, ऐसा करने से ये वाउचर नंबरिंग का जो फीचर्स है ये ऑटोमेटिक हो गया।
इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? जैसे ही हम ऐड परचेज बाउचर में दोबारा आएंगे, तो अभी देखिए यहाँ ऑटोमेटिक 2 आर, हमें भरने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक यहाँ आपको कर्सर आएगा ही नहीं, आप यहाँ पे क्लिक करके जैसे आप इंटर करेंगे कर्सर डायरेक्ट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है? तो वहां पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। दूसरा जो फीचर हम लोगों ने देखा वो है राउंड अप का। राउंड अप क्या होता है? किसी भी इनवाइस के अमाउंट में अगर हमें दशमलव का पार्ट हटाना है तो वहां पे राउंड अप का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया 18% और यहाँ पे हमने पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लिया, एज्यूम करिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी भर दिया और यहाँ रेट भर दिया 1,059 रुपये और 59 पैसे, ठीक है? अब इसको हमने कर दिया अप्लाई टैक्स। अब देखिए इस इनवाइस में लास्ट में जो है कितना आ जा रहा है, 31 पैसे। अब राउंड अप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 31 पैसे को हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के 2 तरीके हैं। पहला, हम कीबोर्ड से आर बटन प्रेस करें, यहाँ मिल जाएगा राउंड अप माइनस का लेजर, और यहाँ पे हम भर दें 0.31, तो राउंड अप माइनस मतलब घटाना, और जैसे हम इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक 1,250 हो जाएगा। ये प्रोसेस में बार बार ना करना पड़े तो हम ऑटो राउंड अप के फीचर्स का यूज करेंगे, तो बीजी हमारा इतना समझदार हो जाएगा, वो खुद जान जाएगा कितना पैसा जोड़ना है या कितना पैसा घटाना है, जिससे इनवाइस हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाए, राउंड अप हो जाए। ये दोनों जिम्मेदारी हम बिजी को दे देंगे तो हमारा वर्क थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे? राउंड अप का फीचर इनेबल करने के लिए आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद एक ऑप्शन आएगा फीचर्स ऑप्शन, नहीं इसके नीचे में आप मिलेगा बाउचर सीरीज, जहां पर हम लोग गए थे पिछली बार, इसको सेलेक्ट करेंगे। परचेज के बगल वाला जो यहाँ प्लस, इसको क्लिक करके मेन को सेलेक्ट करें। पिछली बार हम लोग गए थे वाउचर नंबरिंग में, इस बार वाउचर नंबरिंग में ना जाके वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, सब कुछ नोट करा रखा है। और यहाँ आने के बाद एक ऑप्शन आता है ऑटो राउंड अप ऑन फाइनल अमाउंट, इसे हम कर लेंगे वाई से यस। जैसे यस करेंगे इसके बगल में एक छोटा सा कन्फिगर का बटन ऑटोमेटिक आ जाए। अब हमें कन्फिगर पे करना है क्लिक। अब यहाँ राउंड अप के 3 मोड बताए गए हैं, एक अपर मोड, एक लोअर मोड और एक ऑटोमेटिक। अपर मोड में हमेशा वो पैसा जोड़कर अपर की तरफ बढ़ेगा ना, जैसे 12 रुपये 20 पैसे तो 80 पैसे जोड़कर उसको 13 रुपये बना देगा ना, 12 रुपये 45 पैसे है तो उसमें 55 पैसा जोड़कर उसको 13 रुपये बना देगा। अपर में हमेशा क्या करेगा, जोड़ देगा, जितना पैसा कम होगा उतना जोड़ देगा। 16 रुपये 10 पैसे है तो उसमें सीधे 90 पैसे जोड़ देगा। जबकि बचपन से हम लोग राउंड अप का क्या सिस्टम सीखे हैं कि अगर लास्ट में 0 से लेकर 49 पैसा तक हो तो घटा दिया जाए, और 50 से लेकर 99 पैसे तक हो तो जोड़ दिया जाए, जितना कम है उतना जोड़ दिया। यही चीज हम लोगों ने देखा है। उसके लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर ऑटोमेटिक वाला सिस्टम। ऑटोमेटिक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पूछा जाएगा अपर के लिए कौन सा लेजर बनाना है, तो कीबोर्ड से प्लस प्रेस करिए तो आ जाएगा राउंड अप प्लस। लोअर के लिए पूछा जा रहा है कि यहाँ कीबोर्ड से माइनस प्रेस करिए तो यहाँ पे आ जाएगा राउंड अप माइनस। ये तो अपर के लिए हमेशा राउंड अप प्लस और लोअर के लिए राउंड अप माइनस। फिर पूछ रहा है राउंड इफ नियरेस्ट टू, हम यहाँ लिखेंगे 1, यानी नियरेस्ट 1 पे वो क्या करेगा, चेंज कर देगा। अब आस्क बिफोर एडिंग राउंड अप बिल सन्ड्री का, क्या आप चाहते हैं कि राउंड अप करने से पहले आपसे पूछा जाए? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप यहाँ पे करेंगे यस, और यस करके हम इसको करेंगे ओके, और यहाँ पे कर देंगे हम सेव। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, जैसे हम परचेज वाउचर में आते हैं, ठीक, अब हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया पार्टी का नेम, तो हमारे केस में जो पार्टी का नेम है वो हो गया हमारा कंप्यूटर एम्पायर, ठीक है? यहाँ पे हमने आइटम सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी 1 कर दिया, रेट भर दिया 1,050 रुपये और 54 पैसे, ठीक। कीबोर्ड से F4 बटन दबा के हमने टैक्स भी लगा दिया। अब देखो 64 पैसे आ रहा है, लास्ट में क्या रहा है, 64 पैसे। अगर इसको राउंड अप करना हो तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितना जोड़ना घटाना चाहिए, 36 पैसे क्या जोड़ दें घटा दें, जोड़ दें। अगर इसको राउंड अप करना है तो क्या करना चाहिए, 36 पैसे जोड़ दें।
अब हमको बार बार सोचना पड़ेगा कि 36 पैसे जोड़ना है, क्या करना है। तो इससे बेटर है हमने राउंड अप का फीचर एनेबल कर दिया। अब जैसे इस वाउचर को हम सेव करेंगे, तो सेव करते ही राउंड अप का ऑप्शन ही पूछा जाएगा, एड राउंड अप बिल सन्ड्री। आप इसे करेंगे यस, और जैसे आप इसको यस करेंगे देखो ऑटोमेटिक 36 पैसे जोड़। तो फायदा क्या मिला, हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी कि कितना पैसा जोड़ना है या कितना पैसा घटाना है। ये सॉफ्टवेयर ने खुद कैलकुलेट कर लिया कि हमें इसमें कितना पैसा जोड़ना है या कितना पैसा घटाना। इसी को बोलते हैं ऑटो राउंड अप फीचर्स। यही हमारा क्या है, ऑटो राउंड अप फीचर्स। ये अपने आप चेक करके बता देगा कि कितना पैसा जोड़ना है या कितना पैसा घटाना। बस समझ में आ रहा ना, यही फीचर्स हमारा कहलाता है ऑटो राउंड अप फीचर्स। ये खुद कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि कितना पैसा जोड़ना है या कितना पैसा आपको घटाना है। बात समझ में आ रही ना, ये खुद कैलकुलेट कर लेगा, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट इनवाइस की एंट्री हम लोग करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस हमारा है, देखिए यहाँ पर भी हम कंप्यूटर एम्पायर से परचेज कर रहे हैं, और ये जो परचेज कर रहे हैं ये हमारा आइटम है एप्सन 664 ब्लैक है। इसकी एंट्री हमें करनी है, तो हम कैसे करेंगे, हम आ जाएंगे एड परचेज पर, हमारा परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे 12%। क्यों, क्योंकि इस आइटम पर जो टैक्स दे रखा है वो है 6 + 6, यानी कितना हो गया 12। अब हमें देखना है लोकल है या सेंट्रल। देखो सप्लायर का स्टेट भी यूपी का है और हमारा स्टेट भी यूपी का है, तो कैसा हो गया लोकल। तो सबसे पहले हमें यहाँ टाइप कर देना है 12। जैसे हम 12 टाइप करेंगे हमारे सामने दो विकल्प पूछेगा, लोकल या सेंट्रल। हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे लोकल। पार्टी का नेम हमने सेलेक्ट कर लिया कंप्यूटर एम्पायर। नेम ऑफ आइटम पर हम आ जाएंगे, और यहाँ हमें आइटम सेलेक्ट कर लेना है अपना। क्वांटिटी पूछा जा रहा है, हमारा आइटम कुछ और है ना, रुकिए हमें बनाना है। टैली हम कैसे बनाते थे, अल्ट सी से, यहाँ पे बनाएंगे F3 से। अगर आपको कुछ भी नया क्रिएट करना है तो उसकी शॉर्टकट की है F3, ठीक है, ध्यान रहे। अगर बीजी में कुछ भी नया क्रिएट करना है, आइटम बनाना है, ग्रुप बनाना है, लेजर बनाना है, अकाउंट्स ग्रुप बनाना है, कुछ भी नया क्रिएट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होगी F3। बात समझ आ रहा ना, F3 से क्रिएट होगा। तो हम F3 बटन दबाएंगे तो आप आपसे पूछा जाएगा कौन सा आइटम आप बनाना चाहते हैं। तो अपने केस में जो आइटम है वो है एप्सन 664 ब्लैक इंक। तो इसको हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम बिजी में आके वापस कर देंगे पेस्ट। चूंकि एक प्रकार का प्रिंटर का इंक है इसलिए हमें एक ग्रुप बनाना है। अब ग्रुप बनाने के लिए अगेन F3 प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रिंटर इंक, ठीक है। इसे हम मान लेंगे कि प्राइमरी ग्रुप है, और HSN के ऑप्शन को करेंगे यस, और यस करके हम HSN कोड को यहाँ पर भरेंगे। हमारे में HSN कोड है 32151990, यही कोड हमें भरना है। टैक्स कैटेगरी को हम करेंगे यस, और यस करने के बाद यहाँ पे हमें GST लगा देना कितना 12%, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेव। यूनिट क्या है, पीसेस, और इसको हमने कर दिया पहले वाले को सेव। तो इसकी क्वांटिटी कितनी है, एक पीस है 245 रुपये 54 पैसे के रेट से, एक पीस 245 रुपये और 54 पैसे। अब सेकेंड आइटम है, फिर इंटर करेंगे। सेकेंड आइटम के लिए फिर F3 से हम क्रिएट करेंगे। ये अभी प्रिंटर का ही इंक है लेकिन ये येलो इंक है, इसको हम कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करें। चूंकि यह भी प्रकार का प्रिंटर इंक है इसलिए इसको भी प्रिंटर इंक के ग्रुप में रखेंगे। आप देखेंगे तो यहाँ GST 12% अपने आप लग गया, HSN भी अपने आप आ गया। हमें केवल यहाँ पे बना देना है यूनिट, और इसको F2 से कर देना है सेव। क्वांटिटी हो जाएगा 1 पीस, दो है तो क्वांटिटी हो जाएगा 2 पीस, और रेट हमें दे देना है 301 रुपये 34 पैसे।
301 रुपए 34 पैसे। अब हमें लास्ट में लगा देना अप्लाई टैक्स पे, तो टोटल आ गया ये 950 रुपए। राउंड अप की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी क्योंकि अमाउंट हमारा पहले से ही बराबर है, इसलिए यहाँ राउंड अप की जरूरत नहीं। इसको हम करेंगे सेव। सेव करते से हमसे हमसे बिल नंबर पूछा जाएगा और यहाँ पे हम बिल नंबर भर देंगे 222 0। ठीक है, तो ये हो गया बिल नंबर हमारा 222 0। इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेव। बस बस में आ गया ना। तो इस तरह से हम अपने इनवाइस की एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, सारी एंट्री अगर एक साथ आपको देखना है उसके कुछ तरीके हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अगर परचेज की सारी एंट्री आपको एक साथ देखना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप आ जाएंगे वापस और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट एल, एल मतलब लेजर, और अल्ट एल प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दबाना है परचेज का। जैसे परचेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कर देंगे ओके, परचेज की दोनों एंट्री आपको एक साथ दिख रहे। अगर मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ पे इंटर करेंगे, जो भी चेंजेस करना चाहते हैं चेंजेस करेंगे, फिर इसको F2 से सेव कर। बस में आ रहा ना, अगर सब कुछ एक साथ देखना है तो आपको देखने के लिए किसी पार्टी का लेजर अगर देखना है तो अल्ट के साथ एल बटन, अल्ट एल दबाएंगे लेजर की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे किसी भी पार्टी का लेजर देखना है, परचेज का हो गया, सेल्स का हो गया, कोई सप्लायर हो गया, कोई बैंक अकाउंट हो गया, कुछ भी चेक करना है, उसकी शॉर्टकट की है अल्ट एल। ठीक है, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे परचेज और कीबोर्ड से कर देंगे ओके। ये हमको बताने लगेगा कि अभी तक हमारी दो परचेज की एंट्री हुई है, पहला हमारा इतना अमाउंट है, सेकंड हमारा इतना। तो जिस तरह हम लोगों ने ट्रांजेक्शन नंबर 2 की एंट्री किया ठीक उसी तरह से ट्रांजेक्शन नंबर 3 की एंट्री करें। बस फर्क ये है कि यहाँ पे हमारा सप्लायर चेंज हो गया, ये शेरवानी पेंट स्टोर से हम परचेज कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे 6 अलग अलग प्रोडक्ट है। ठीक है, 6 अलग अलग प्रोडक्ट है। अब अगर इन प्रोडक्ट का ग्रुप आपको नहीं पता होगा तो आप इसको जनरल ग्रुप में भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इस आइटम को देख के हमें आइडिया नहीं लग रहा है कि ये क्या है, भाई आप रियल में काम करेंगे तो अपने बिजनेस के प्रोपराइटर से आप पूछ लेंगे कि भैया ये T3T20 लीटर क्या है, तो बता देंगे कि यह पेंट है। बात समझ में आ रहा ना, वहां तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ एंट्री करने के लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जब आप आइटम क्रिएट करते हैं ना, जैसे देखो हम बता रहे हैं, जब आप आइटम बनाते हैं तो यहाँ पर एक ग्रुप आता है जनरल का। जैसे हमने यहाँ पर एक आइटम बनाया पहला वाला, ध्यान से देखना, ये पहला वाला आइटम है, इसको कर लिया हमने कॉपी एंड कॉपी करके हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब हमको समझ नहीं आ रहा ये है क्या चीज, तो हम इसको जनरल के ग्रुप में रख सकते हैं। बस भैया, जिसका ग्रुप नहीं पता है उसको हम जनरल के ग्रुप में रख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके बाद हमें यहाँ पे HSN कोड और GST की कैटेगरी आपको भरना पड़ेगा। अब ये किस में है, ये भी पीसेज में है, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, पीसेज। पीसेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टैक्स कैटेगरी, इस पर GST 18%, HSN कोड पूछा जा रहा है, तो डायरेक्टली आपका ये HSN कोड है, आप यहीं से कॉपी कर दीजिए और कॉपी करके आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर। बस में आ रहा ना, तो ये बनाने का तरीका है। अगर आपको ये नहीं पता चला है कि ये आइटम हमारा किस ग्रुप में जाएगा या आप उस आइटम को पहचान नहीं पा रहे हैं तो आप उसको एक जनरल के ग्रुप में रख सकते हैं और यहाँ HSN कोड भर देंगे और भरने के बाद इसको कर देंगे सेव, ये आइटम बन के आपका तैयार। बस में आया भाई, जब आप रियल में कहीं काम करेंगे तो आप पूछ लेंगे कि कौन सा आइटम बताइए और उसी का ग्रुप रख देंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ कोई बताने वाला नहीं है कि ये आइटम हमारा किस ग्रुप में जाएगा, आप पढ़ के अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसको जनरल ग्रुप में आप रख सकते हैं। एक विकल्प वहां पे दिया गया है कि आप जनरल के ग्रुप में उसको रखेंगे। तो आज आपको ट्रांजेक्शन नंबर 2 की एंट्री करनी है और 3 की एंट्री करनी है। 3 हम बताएंगे नहीं, आपको खुद से करना है। बस उसमें 2 आइटम था और यहाँ पे हमारे पास 6 आइटम है, फर्क वही है। HSN कोड यहाँ पर भी दे रखा है, GST का परसेंटेज दे रखा है, क्वांटिटी दे रखा है, रेट दे रखा है, सब कुछ तो दे रखा है, हो जाएगा ना। तो आज ट्रांजेक्शन नंबर 2 और 3 की एंट्री करनी है और दोनों फीचर्स का यूज करना है, एक राउंड अप का और दूसरा है ऑटो वाउचर नंबरिंग का। ये दोनों फीचर्स का यूज करके आज ये दोनों एंट्री आपको करनी है।